मनुष्य आचार सदाचार शौचाचार से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संध्या स्नान जप होम देव और अतिथि पूजन इन षट कर्मों को प्रतिदिन करना कर्तव्य है। पंच महायज्ञों में अध्ययन और अध्यापन ब्रह्म यज्ञ तर्पण पितृ यज्ञ होम देव यज्ञ बलि वैश्य देव भूत यज्ञ तथा अतिथि का पूजन मनुष्य यज्ञ है। गृहस्थ को दिन का यथा योग्य 5 विभाग करके पितृगण देवगण की अर्चा और मानवोचित कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य अन्न दान करके सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने मित्र गणों के साथ स्वयं भोजन करता है वह देह त्याग के बाद स्वर्ग लोक के सुख का अधिकारी बन जाता है। अभ्यक्ष भक्षण चोरी और अगम्यागमन करने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदाचार एवं धर्म का पालन करने वाला अधिकारी मनुष्य साक्षात केशव विष्णु ही माना गया है। कलयुग में दान धर्म का विशेष महत्व है। सतपात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ का प्रतिपादन दान कहलाता है। इस लोक में ये दान भोग अथवा परलोक में मोक्ष प्रदान कराने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। जल से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभीष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमिदान से समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्ण दान से दीर्घायु, ग्रहदान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। वृषभ का दान देने से विपुल संपत्ति और गोदान से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यान और सैया का दान करने पर भार्या भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेदाध्यापन से ब्रह्मा का सानिध्य लाभ होता है। गाय को घास देने से पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने से व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित सुखी और दीर्घायु हो जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु सर्वाधिक प्रिय है उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। गौ ब्राह्मण अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है वो पापी तिर्यक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। दान धर्म के बाद प्रायश्चित का निरूपण किया गया है। ब्रह्म हत्या मदिरापान स्वर्ण की चोरी और गुरुपत्नी गमन ये 4 महापाप कहे गए हैं। इन सभी का साथ करने वाला 5वां महापात ही होता है। गौहत्या आदि जो अन्य पाप हैं वे उपपातक में माने गए हैं। इन सभी पापों का प्रायश्चित विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके अनंतर भारतवर्ष का वर्णन तीर्थों का वर्णन और उनकी महिमा प्रस्तुत की गई है। ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन ग्रह दशा यात्रा शकुन छींक का फल ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न फल राशियों के चर स्थित आदि भेद ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने वाले प्रशस्त कार्य का भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान भी यहाँ कराया गया है। स्वरोदन विज्ञान का निरूपण भी हुआ है। तिथि नक्षत्र आदि व्रतों का निरूपण चातुर्मास्य व्रत का निरूपण शिवरात्रि व्रत कथा तथा
व्रत विधान एकादशी महात्म आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन, भविष्य के राजवंश का वर्णन किया गया है, रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान, वज्र की परीक्षा, पद्मराग, मकरत मणि, इंद्रनील मणि, वैदुर्य मणि, पुष्यराग मणि, वैदुरम मणि, स्फटिक, रुद्राक्ष रत्न, पुलक, ककैर्तन मणि, भीष्मक मणि तथा मुक्ता आदि रत्नों के विविध भेद, लक्षण और परिलक्षण की विधि बताई गई है। गंगा आदि विविध तीर्थों प्रयाग, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, द्वारका, केदार, बद्रिकाश्रम, श्वेतद्वीप, मायापुरी, हरिद्वार, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, कांजीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध, रामेश्वर, अमरकंटक, उज्जैनी, मथुरापुरी आदि स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन पवित्र तीर्थ स्थलों में किया गया स्नान, दान, जप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है। गया तीर्थ का महात्म्य तथा गया क्षेत्र में श्रद्धादि करने का फल सविस्तार समारोह पूर्वक यहाँ प्रस्तुत हुआ है। गए नामक असुर की उत्कट तपस्या से संतप्त देवगणों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु की गदा से वो असुर मारा गया। उस गयासुर के नाम पर ही गया तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान विष्णु मुख्य देव के रूप में उपस्थित हैं। गया में श्राद्ध करने से पंच महापापों की निवृत्ति तो होती ही है, इसके साथ ही अन्य संपूर्ण पापों का भी विनाश होता है। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु या चोर द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध के पुण्य से उन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया में पिंडदान करने मात्र से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कहा गया है कि गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। कहते हैं गया में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति संसार के माया मोह को छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमों के नियमों से रहित हो इधर उधर निहंकार भाव से अकेले ही विचरण करने लगे। ये देखकर उनके पितृजनों ने उन्हें गृहस्थाश्रम की महिमा बताते हुए पानी ग्रहण संस्कार को स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु बताया, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है। रुचि ने भी पितरों से अपनी शंकाएं प्रस्तुत की। इसका पितरों ने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रम के धर्म पालन के लिए रुचि से आग्रह किया। रुचि भी दुविधा में आ गए और उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के निर्देश से ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया और पितरों की स्तुतियों से आराधना की। पितृजनों ने संतुष्ट हो प्रकट होकर रुचि को मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादि की प्राप्ति करने का वरदान दिया और ये भी कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम पितरों को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ज्ञान, आयु आरोग्य तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्त्रोत से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। तदनंतर द्रव्य शुद्धि एवं कर्म विपाक प्रायश्चित विधान, शांत पान, कृच्छु, पराक तथा चांद्रयाणादि व्रतों के विविध स्वरूपों को दर्शाया गया है।
इसके साथ ही ऋषि महर्षि तथा देवताओं द्वारा प्रतिपादित नीति शास्त्र का विवेचन किया गया है, जो सभी के लिए हितकर तथा पुण्य आयु एवं स्वर्गवादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्षष्ठ की सिद्धि चाहता है, उसे सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक तथा परलोक में हित संभव नहीं है। दूसरों की निंदा, दूसरों का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराए घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दुर्जनों के संग का परित्याग कर साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र के घर में वास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुष्चरित्र के घर में निवास करने से पाप विनष्ट नहीं होते। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते, फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कुहासे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद राजनीति का वर्णन किया गया है। राजा को सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिए। जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। जो राजा शास्त्र सम्मत तथा युक्त युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वह निश्चित ही इस लोक तथा परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है, सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील के द्वारा कुल की रक्षा होती है। सत्य पालन रूपी सुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल के प्रक्षालन, ये पांच प्रकार के शौच माने गए हैं, जिसमें सत्य पालन की शुचिता है। उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, जो मनुष्य सत्य संभाषण ही करता है वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से बढ़कर है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया, वो अपने कटि प्रदेश में परिकर बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले नीति से युक्त कल्याणकारी वचनों का संग्रह इस महापुराण में प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण कर मानव शाश्वत सुखानुभूति से लाभान्वित हो सकता है। तदनंतर भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पवित्रता महात्म में ब्राह्मण पत्नी अनुसूया एवं भगवती सीता के पतिव्रत का आख्यान मिलता है। रामचरित्र वर्णन, हरिवंश वर्णन तथा महाभारत की कथा और बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इसके बाद आयुर्वेद का प्रकरण प्रारंभ होता है। भगवान धन्वंतरी प्रोक्त संपूर्ण आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है। ये अर्थवेद का उपवेद है। शारीरिक, मानसिक तथा आगंतुक इस प्रकार से व्याधियां तीन प्रकार की कही गई हैं। प्रस्तुत गुरु पुराण में मुख्य रूप से निदान, स्नान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र में कौमार्य तंत्र एवं भूत विद्या आदि विषयों का ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेद, अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा आदि का भी संक्षेप में निर्देश हुआ है। गरुड़ पुराण के आयुर्वेद प्रकरण के प्रथम 20 अध्यायों में निदान स्थान के विषय वर्णित है। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, रोग के लक्षण क्या है जिससे रोग का निर्णय हो सके, इत्यादि विषय निदान शब्द में अभिप्रेत है। इससे प्रारंभ में ज्वर, रक्त, पित्त, श्वास, राजयक्ष्मा, मदात्यय, अर्श, अतिशार, मूत्राघात, प्रमेह
गुल्म, पांडु, कुष्ठ, वात दोष आदि रोगों के उत्पत्ति जनक कारणों तथा उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है। गुरुर पुराण का यह वर्णन आचार्य वाग्भट्ट के आष्टांग हृदय से बहुत अंशों से साम्य रहता है। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है। अमुक रोग होने पर अमुक अमुक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, इनके निर्माण की तथा अनुपान आदि की विधि बताई गई है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधिक योगों को भी बताया गया है। आयुर्वेद की औषधियों और वनस्पतियों का वर्णन जो भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था, उसे सुनाने के बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कात्यायन से कहे गए व्याकरण शास्त्र को सुनाया। ये व्याकरण सिद्ध शब्दों के ज्ञान एवं बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक है। इसके अनंतर सूत जी ने अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को प्रस्तुत किया है। कर्म विपाक का वर्णन, जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले विद्वान यदि आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीन सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यंतिक लय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सूत जी कर्म विपाक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव पाप कर्म करने के कारण नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में। अपने उन पाप पुण्यों के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में जाता है। गर्भ में विकसित होता हुआ वो जीव 9 मास तक अधोमुख स्थित रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। ये जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, इसके बाद पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये जीव इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनियों में जन्म लेता है। यहाँ पाप योनियों का वर्णन सविस्तार किया गया है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन यापन करता है वो व्यामोह में फंसे बंदर की योनि में जाता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराये धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के बाद वो कृमि योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वो मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यज्ञ दान तथा विवाहादिन में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कृमि योनि प्राप्त होती है। देवता, पितर, ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वो नरक को जाता है। वहां से मुक्त होकर वो काक योनि को प्राप्त करता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग आदि बिच्छू की योनियों में भ्रमण करता है। दूसरों की निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, परस्त्री के साथ सहवास करना, पराय धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा, मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता तथा मनुष्यों का हनन, ये सब नरक भोग कर जन्म लिए हुए मनुष्यों का लक्षण कहा गया है। प्राणियों के प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्कार्यों का निष्पादन, सत्धर्म का पालन, दूसरों का हितचिंतन, भक्ति की साधना और वेदों में प्रामाण्य बुद्धि, गुरु देवर्षि और सिद्धिर्षियों की सेवा, साधुजनों द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सत्क्रियाओं का अनुष्ठान तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्ग से आए मनुष्यों के लक्षण हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए गए यम, नियम आदि अष्टायोग के साधन से सत ज्ञान को प्राप्त करता है वो आत्यंतिक फल मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। महायोग का वर्णन,
सूत जी ने यहाँ समस्त अंगों सहित महायोग का वर्णन किया है। ये महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने में श्रेष्ठतम साधन है। महामति भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क से कहा था, हे राजन, ममता ही दुख का मूल है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महातरु का अंकुर है। पाप मूलक आपातमरणीय सुख शांति के लिए ये अज्ञान रूपी महातरु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काटकर वे परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तदनंतर ब्रह्म रस को प्राप्त कर उसका भली भांति पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं।